हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त सीए नेहा। जीएसटी से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स एंड क्लैरिफिकेशंस के लिए बने रहिए मेरे साथ। आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो बनाया है हमने, वो जो अभी हमें क्वेरीज आए हैं मेल पे, उसके उनमें से एक क्वेरी को लेके हमने बनाया है। ये क्वेरी हमने भेजा है मिस्टर महेंद्र ने भोपाल से। मिस्टर महेंद्र हमसे जानना चाहते हैं कि क्योंकि अभी उनका टर्नओवर 40 लाख नहीं पहुंच रहा है, उनका टर्नओवर 20 लाख के आसपास ही है, तो वो अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सरेंडर करना चाहते हैं। तो उन्हें बीइंग एन अनरजिस्टर्ड डीलर किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। सो फ्रेंड्स, वन बाय वन हम ये पॉइंट्स कंसिडर करते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है वो कोई भी हमें इंटरेस्ट रेट सप्लाई नहीं करनी है। इंटरेस्ट रेट सप्लाई का मतलब होता है यानी कि अभी जिस स्टेट में आप बिजनेस कर रहे हैं उस स्टेट से बाहर आपको कोई भी सप्लाई नहीं करनी है। परचेजेस आप कर सकते हैं, परचेजेस पे कोई रोक नहीं है, सिर्फ सेल्स पे है। सेकेंड पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना है वो ये है कि हमें किसी भी इन्वॉइस के ऊपर टैक्स इन्वॉइस वर्ड यूज़ नहीं करना है, क्योंकि टैक्स इनवॉइस का मतलब है हम उसमें से टैक्सेस चार्जेस कर रहे हैं, इसलिए हमें कमर्शियल इनवॉइस या सिर्फ इनवॉइस वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना है वो ये है कि हमें एक सेल्स रजिस्टर मेंटेन कर लेना है पूरे साल के लिए, जिसमें सेल्स से रिलेटेड सारी डिटेल्स मेंशन हो, ताकि अगर हमें फ्यूचर में कोई भी इंक्वायरी या नोटिस आए तो हम उसका रिप्लाई कर पाए। फोर्थ पॉइंट हमें ये ध्यान रखना है कि हमें गलती से भी किसी भी कस्टमर को कोई भी जीएसटी ना चार्ज करना है ना कलेक्ट करना है, क्योंकि हम अनरजिस्टर्ड डीलर हैं। फिफ्थ पॉइंट हमें जो ध्यान में रखना है वो ये है कि हमें परचेजेस का डिटेल्स रखना चाहिए, स्टॉक का डिटेल्स रखना चाहिए, और जो हमारा बैंक स्टेटमेंट है उसका भी हमें डिटेल्स रखना चाहिए। उसमें जो भी डिपॉजिट्स आए हैं हमारे बैंक स्टेटमेंट में उसका हमें पूरा डिटेलिंग रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम वो नहीं रखेंगे और हमारे जो डिपॉजिट्स हैं वो 40 लाख या हमारा 20 लाख उसके आसपास भी होता है तो हमारे ऊपर इंक्वायरीज हो सकती हैं। पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना है वो ये है कि हमें कोई भी ऐसी सप्लाईज एक्सेप्ट नहीं करनी है जो कि रिवर्स चार्ज में कंसिडर होती हैं। अगर हम ऐसी कोई भी सप्लाई लेते हैं तो हम सीधे सीधे कंपल्सरीली जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल हो जाते हैं। फ्रेंड्स, इसी तरह हमें ऐसी और भी सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो कि हमें कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के लिए ना एप्लीकेबल ना होती हों। फ्रेंड्स, ई वे बिल, आप एक अनरजिस्टर्ड सप्लायर होते हुए भी आप ई वे बिल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप जीएसटी पोर्टल पे जाके एज अ सिटीजन रजिस्टर कर लीजिए और वहाँ पे जाके आप ई वे बिल एक्सेप्ट या फिर आप ई वे बिल इशू कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एक अनरजिस्टर्ड डीलर को ध्यान रखने चाहिए। मिस्टर महेंद्र, मैं आशा करती हूँ आपका जवाब मैं इस वीडियो में कवर कर पाई हूँ। फ्यूचर में अगर कोई भी आपको डाउट या क्वेरी आता है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हम इसी तरह से आपके क्वेरीज आंसर करेंगे। फ्रेंड्स, आप भी हमें अपने क्वेरीज और डाउट्स ईमेल कर दीजिए ताकि हम आपके क्वेरीज को जल्दी से जल्दी आंसर कर सकें। मैं एक नया वीडियो लेके जल्दी आपके साथ वापस रहूँगी। तब तक के लिए गुड बाय।